क्यों होत मगरूर जाना जम के हजूर प्रभु जप ले जरूर चौकी भरो सदा प्रेम की कर ले कुछ पुन दान साचे सतगुरु दा ध्यान छठ मूरख ज्ञान चाह कर नंद के किशोर की दस इंद्रियों को मार विषया दे उड़ार खोल आंख विचार की कैत कवि फूले राए पल पल श्री कृष्ण ध्याए तेरी एक घड़ी जाती है लाखन करोड़ की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ज्ञान देकर भगवान श्री चक्रधर जी या जो भी हमारे साधन दाता जैसे उभय दृश्य अवतार होते हैं जिन्हें दुनियावी सभी देवताओं की विद्या दृष्ट पर सांसारिक सुख अदृष्ट पर देवताओं के फल ये अवर और पर जो ज्ञान है और प्रेम है ये सभी चीजों को देने वाले उभय दृश्य अवतार ज्ञान के बिना उद्धार नहीं करते। लेकिन ज्ञान किसको दिया जाता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान देने के लिए सबसे पहले उसके दोषों को दूर किया जाता है। हमारे शास्त्र में भगवान श्री चक्रधर जी ने 9 दृष्टांत बताए हैं। उन 9 दृष्टांतों का दोष जिस व्यक्ति में नहीं है उसको परमेश्वर अपना ज्ञान देते हैं। वो जो लोग ब्रह्म विद्या कभी सुनते होंगे या जिन्होंने कभी अपने गुरुमुख से सुना पड़ा होगा वो जानते होंगे, जैसे कानवाथर का है, बाम्बू का है, खीरे एक का है, खीरा दूसरा है, खीरा तीसरा है, घास फूस वाले खेत का है, ऐसे 9 दृष्टांतों का अनधिकार जिसके अंदर नहीं है उसे ईश्वर अवतार ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान से पहले उसके दोषों को दूर किया जाता है। इसीलिए सबसे पहला दिन विकल्प के ऊपर इसीलिए बताया गया है कि जब तक हम जय कृष्ण पूरी तरह से विकल्प से दूर नहीं होते तो हम नाम के भी अधिकारी नहीं है। नाम इसीलिए दिया जाता है कि नाम लेने पर उस व्यक्ति का नाम पता होगा तो अचूक ही हम उसको ढूंढ सकते हैं। अगर नाम ही नहीं पता तो हम किसी को ढूंढ भी नहीं सकते और कोई भी बात हमारी पूरी नहीं हो सकती। जैसे ये लाओ, क्या उसको बुलाओ, किसको, कहाँ जाना है, वहाँ हर चीज को नाम रखा जाता है। इसीलिए ईश्वर अवतार भी नाम स्वीकार करते हैं। तो हमारा सबसे पहला साधन अज्ञानता को दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार पहले ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के लिए उसको ईश्वर अवतार का, साधन दाता का, पांचों अवतारों का, उनके माता पिता का और उनके गांव का सारा ही ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हमें नाम का अगर अर्थ भी नहीं पता तो ज्ञान तो बहुत दूर चीज है। अवसर को भगवान ने अज्ञानता पर एक छोटी सी बात सुनाई कि औंढा नागनाथ नाम का एक देवता का मंदिर है हमारे उधर मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, वहाँ पर कोई रहता है, 16 साल से रह रहा है। किसी ने उसे पूछा, भाई औंढा देवता है कि नागनाथ मंदिर गांव है, नागनाथ देवता है या औंढा गांव है, क्या है? कहता है ये मुझे मालूम नहीं है, मैं सिर्फ थाली प्लेट लेकर, कटोरी लेकर, गिलास लेकर पंगत में बैठ जाता हूँ, रोटी खा के यहाँ रहता हूँ बस। भगवान कहते हैं इतना भी अज्ञान नहीं होना चाहिए कि इतने सालों से इस मंदिर का रखवाला पुजारी समझ के इसको यहाँ बैठाया गया है, इसको इतना भी नहीं पता कि औंढा गांव और नागनाथ देवता है या नागनाथ गांव तो औंढा देवता है। वैसी हमारी गत है, वैसी हमारी गत है। जय कृष्णियों में भी ऐसे अज्ञान बहुत से लोग हैं, सिर्फ लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए।
नीम हकीम तो खतरे जान पुण्य मनोनी आचरी दे तैयार थी पाप निपुदे मनोनी आदि शास्त्र श्रवण की दे गुरु मुखा देनी। हम पुण्य समझ कर कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट पाप में हो जाता है। इसलिए पहले गुरु से ज्ञान सुनना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मीरा ने संत मीरा में वर की रानी उसने भी एक कृष्ण की मूर्ति पत्थर की उससे प्रेम किया, उसकी भाव भक्ति है सिर्फ, लेकिन वैसे भी तो हमारी भक्ति नहीं है। उस पत्थर के कृष्ण को उसने साक्षात कृष्ण मान लिया, हम वैसे नहीं है। ये प्रतीति पंथ है, ये ज्ञान का पंथ है, ये सिर्फ श्रद्धा का पंथ नहीं है, अज्ञानता का पंथ नहीं है। ऐसे ज्ञान पंथ में हम जैसे अगर ऐसे अज्ञान हो जाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने हजारों किताबें पोथियां लिख के रखी हैं, हजारों एक दो सैकड़ों में नहीं हजारों में पोथियां हैं, वो चूहे और कीड़ों का दौलत धन बन जाएगा, ऐसा ना। इसलिए भगवान श्री चक्रधर जी कहते हैं कि ज्ञान के बिना जैसे एक सुंदर स्त्री है उसको आंखें ना हो उसकी क्या कीमत है, वैसे ही भक्ति हमारा वैराग्य वो भी ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। एक जगह कोई अन्य सन्यासी समाधि लगाकर आंखें मूंद कर बैठा है, मुंह बंद करके साधन दत्त और स्वामी श्री चक्रधर जी उसके सामने जाकर खड़े हो गए हैं, उसको पूछ रहे हैं भैया इतना वैराग्य किसके लिए कर रहा है, वो आंखें नहीं खोलता, भगवान उसको हिलाते हैं वो आंखें खोलकर देखता ही नहीं। भगवान कहते हैं ये देखो ये वैराग्य किस काम का है, इसके अंदर ज्ञान नहीं कि साक्षात परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं, वो आंखें खोलकर देखना भी नहीं चाहता। इसलिए चने और दांत जब तक हैं तब तक ही हमें मजा है खाने का, जब चने हो जाएंगे तो दांत नहीं है, दांत होंगे तो चने नहीं है, कोई स्वाद नहीं आता। वैसा ही ज्ञान पंथ में ज्ञान का चना दांतों का अध्ययन अभ्यास ये जरूरी है। इसलिए पहले नाम जरूरी है, नाम धन जिसके पास होगा वो उस धन को कैसे संभालना है मैंने इसका ज्ञान लेगा। ज्ञान ये हमारा मुख्य साधन है, ज्ञान के बिना हमें पता ही नहीं तीर्थ स्थान मतलब मुसलमानों की दरगाह भी है वैसे ही होती है, थटगे उनके वैसे होते हैं, उठे तो हमारे लिए वो भी तो शमशान की तरह ही माना जाएगा, नहीं वो क्या है और ये क्या है इसमें फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर अवतार हैं, मनुष्य अवतार हैं, ईश्वर अवतार मनुष्य की तरह रहते हैं। ये पत्थर की मूर्तियां जो पाषाण पवित्र हैं इनकी मूर्तियां ये ईश्वर अवतार नहीं है, ये हमारे साधन है, ज्ञान हमारा साधन है, साधु संत हमारे साधन है, आप भक्त वासनिक जो हैं ये हमारे साधन है। लेकिन इन सभी साधनों को पहचानने के लिए हमारे ज्ञान का जो चश्मा है वो अगर नहीं है तो हम किसी को भी कुछ कहेंगे, विधि को अविधि, छोटे को बड़ा, दोष को गुण, गुण को दोष, बड़े को छोटा, ऐसा समझ के हम अज्ञान के खड्डे में खुद को गिरा लेंगे जहां से कभी भी हम दोबारा उभर नहीं सकते। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि हमारे गुरुजी रिद्धपुर में रहते थे, पढ़ाते थे, मैं उस वक्त मालिका पढ़ रही थी तो सारी भाइयाँ रिद्धपुर के तीर्थ करने जाती थी तो मैं सिर्फ राजमठ और पांच मठ करके नमस्कार करके आ जाती थी, कहते थे जल्दी आ लो, मेरा भी दिल करता था सारे स्थान करूं लेकिन गुरुजी कहते थे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाला का भरोसा नहीं बेटा, स्थान यही है। वो बात आज भी मुझे याद आती है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले का भरोसा नहीं होता, स्थान वही है। इसलिए हम स्थानों पे तो जाते हैं लेकिन स्थान मतलब क्या है, क्यों बने वो स्थान, स्थान की परिभाषा क्या है। अब तक मैंने आपको ज्ञान की परिभाषा बताई है, ज्ञान किसे कहा जाता है, जो जैसा है उसे वैसा जानो, जो जैसा है उसे वैसा जानो। ज्ञान प्रबोधकार हमारे विश्वनाथ बास एक विख्यात ज्ञानी हो चुके हैं, वो गृहस्थ आश्रम में जब थे तो किसी राजा के व्यापार करते हुए उनके ऊपर कुछ आरोप आया और वो कामराज लाड उनके यहाँ बंदी खाने में कैद किए गए। वो ज्ञान प्रबोधकार विश्वनाथ बास जी के गुरु जी थे कमलाकर कोठी, उनको पता चला कि मेरा चेला जेल में पकड़ा गया है। उन्होंने गुर्जर श्री बास हमारी कुल परंपरा के
भगवान के रिश्तेदारों में से पांचवें नंबर पर है, उन्होंने भी संन्यास लिया था। उनको बुलाया कि जाओ विश्वनाथ दास को जेल में से छुड़ाओ, कोई उपाय